सतना में अमरपाटन हाईवे पर बाइक सवार की मौत। वाहनों के वजन से गर्दन का हिस्सा सड़क से चिपका। मौके से मिली कार के नंबर प्लेट के आधार पर आरोपी ड्राइवर की जा रही है तलाश। कोरोना के बीच राहत की खबर। एम्स डायरेक्टर ने कहा, भारत में सितंबर से बच्चों को मिल सकती है वैक्सीन, चैन तोड़ने में मिलेगी मदद। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से तबाही। महाराष्ट्र में बाढ़ से जुड़े हादसों में 136 मौतें। कर्नाटक के 7 जिलों में रेड अलर्ट। गोवा के कई शहर डूबे पानी में। सागर में दूल्हे का हत्यारा गिरफ्तार। पत्नी की दूसरी शादी के वरमाला कार्यक्रम में हुआ था शामिल। बाजार से चाकू खरीद कर सो रहे दूल्हे का गला रेता। इंदौर में काट रहा था फरारी। एमपी में मानसून एक्टिव। नदी नाले उफनाए। उज्जैन में शिप्रा में बाढ़। रामघाट पर सभी छोटे बड़े मंदिर डूबे। डिंडोरी में बिलगड़ा बांध से छोड़ा जा रहा है पानी। नर्मदा का भी बड़ा जलस्तर। भोपाल के 270 अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम खराब। नगर निगम नोटिस देकर भूला। मानवाधिकार आयोग ने एक महीने में प्रमुख सचिव से मांगी रिपोर्ट। देवास में टकराने के बाद पलटी बसें। आगे चल रहे ड्राइवर ने अचानक लगाए ब्रेक। पीछे से स्पीड में आ रही बस घुसी। चालक समेत 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जादू टोने के शक में छिंदवाड़ा में युवक की हत्या। 2 युवकों ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। नग्न अवस्था में शमशान के पास फेंका शव। गुरु पूर्णिमा पर चयनित शिक्षक बैठे धरने पर। शिक्षक वर्ग 1 और 2 के चयनित अभ्यर्थी भाजपा मुख्यालय पर मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे। पुलिस ने निकाला बाहर तो बैठ गए सड़क पर धरने पर। एमपी में कर्मचारियों का प्रदर्शन। मंत्री सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंप कर दी चेतावनी। कहा, मांगे नहीं मानी तो 30 तारीख से चले जाएंगे हड़ताल। सागर जिले के मालथौन में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश, जहां से भेजा गया। बिना के भारतीय स्टेट बैंक में हंगामा करने वाले व्यक्ति पर न्यायालय ने किया 15,000 रुपए का जुर्माना। बिना के जेपी थर्मल पावर स्टेशन के आवासीय परिसर में स्थित प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। बिना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाई चंद्रशेखर आजाद की जयंती। पार्टी के कार्यकर्ता सहित अन्य लोग भी रहे मौजूद। बीना रेलवे स्टेशन के आउटर पर वीकली ट्रेन से मावा चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीना के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कंपनी ने आधा दर्जन आटा चक्की संचालकों पर कार्रवाई की, जो डायरेक्ट लंगर डालकर चला रहे थे आटा चक्की। बीना सिविल अस्पताल के 2 मैन गेट पर कीचड़ और गड्ढों के कारण मरीजों सहित अस्पताल स्टाफ को आने जाने में होना पड़ रहा है परेशान। बीना के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ शुरू। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने ली बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आवश्यक बैठक। बीएमसी के ब्लैक फंगस वार्ड में पहुंचकर मरीजों का जाना हालचाल। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंडर डीपीआर और आरएफपी स्टेज के साथ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा बैठक। सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नगर निगम आयुक्त आरपी अहरवार और स्मार्ट सिटी सीओ राहुल सिंह राजपूत ने किया निर्देश। सागर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित की गई 1 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें नव आरक्षकों को SDERF द्वारा दिया गया प्रशिक्षण।